भाई आप जानते हैं कि आजकल सालों भर सारी सब्जियां हमें मिलती हैं बाजार में। आजकल आप देखते हैं जो एक दूसरे प्रकार का खरबूजा जो है वो सालों भर मिलता है, जिसे हम सनमेलन के नाम से जानते हैं या कैनरी येलो के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसका ऊपर का जो छिलका होता है वो पीला होता है। और इसको कहीं कहीं हम सरदा खरबूजा या सरदा मेलन के नाम से भी हम जानते हैं। जो सरदा खरबूजा होता है ये मार्केट में 15 दिन 20 दिन 1 महीने तक उसी गुणवत्ता के साथ ये मार्केट में रह सकता है। आमतौर पे जो इसकी खेती होती है, जो सरदा मेलन है, ये उन इलाकों में होती है जो दिन का तापमान है वो करीब 35 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है और रात का तापमान करीब 20 डिग्री के आसपास होता है। पूसा संस्थान ने कुछ ऐसी प्रजातियों का विकास किया है जिससे ये खरबूजा सफलतापूर्वक जो उत्तरी भारतीय मैदानी इलाका है यहाँ भी उगाया जा सकता है और यहाँ ये साल में 2 बार या 3 बार भी उगाया जा सकता है। एक बार जिस प्रकार आम खरबूजा उगता है, जो फरवरी से लेकर हम इसको अप्रैल या मई तक हम उगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक संरक्षित संरचना के अंदर हम इसको उगा सकते हैं, वो नेट हाउस जो होता है, नेट हाउस के अंदर हम इसको उगा सकते हैं। इसी प्रकार फिर इसकी हम जो दोबारा फसल है वो बिना मौसम की बेमौसम की फसल हम उगा सकते हैं, जिसके लिए हम सितंबर से लेकर और नवंबर इस खरबूजे को तैयार होने में करीब करीब बिजाई के बाद 90 दिन का समय लगता है। तो अगर हम इसको अगर हम सितंबर के प्रथम सप्ताह में अगर इसकी हम बिजाई कर लेते हैं तो नवंबर के लास्ट तक ये खरबूजा आप मार्केट में ले जा सकते हैं। पूसा संस्थान ने इसके लिए 2 विशेष प्रकार की प्रजातियां विकसित की हैं। पहली प्रजाति है पूसा सरदा, ये ऊपर से बिल्कुल पीला रंग का होता है और इसका जो गूदा होता है अंदर का वो हरा या सफेद या मिक्स होता है। इसका एक फल जो होता है करीब 1 किलो के आसपास का होता है, 1 किलो से 1100 ग्राम का होता है और ये गोल होता है। और इसमें जो उपज होती है, अगर हम 1000 स्क्वायर मीटर का अगर हमारे पास पॉली हाउस या नेट हाउस है तो उसमें करीब करीब 5.2 टन यानी 52 क्विंटल के आसपास इसकी उपज होती है। एक अभी हमने दूसरा खरबूजा जो सरदा खरबूजा में ही और विकसित की है, जिसका नाम पूसा सुनहरी है। पूसा सुनहरी का जो फल होता है वो थोड़ा सा ऑबलोंग शेप का होता है, इसका जो अंदर का गूदा होता है वो भी ऑरेंज कलर का यानी नारंगी रंग का होता है। जब भी कोई गूदा अगर नारंगी रंग का होगा तो उसमें हमारी बीटा कैरोटीन की भी मात्रा बढ़ जाती है और वो स्वास्थ्य के लिए भी अधिक लाभदायक होता है। और ये खास करके अगर हम बेमौसम की बात करें, यानी जो सितंबर से नवंबर का जो मौसम है इसमें लगाने के लिए ये बेहद ही उपयुक्त है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि अगर आपके पास नेट हाउस में अगर ड्रिप की सुविधा है तो आप करीब करीब 1.2 वर्ग मीटर का चौड़ाई मीटर का एक आपको बेड बनाना है और उस बेड के दोनों तरफ अगर उसमें ड्रिप लाइन लगी है और हर जो छेद होता है यानी हर 30 सेंटीमीटर पर उसके हम एक एक पौधे को हम लगाते हैं। बिजाई करने से पहले हमें कम से कम इसमें 5 से 8 किलोग्राम बिल्कुल गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट को हमें अच्छे से मिला देना है। तो अगर हम 1000 स्क्वायर वर्ग मीटर की अगर हम बात करें तो जो 250 से 300 ग्राम जो बीज होता है वो पर्याप्त होता है और इस मौसम में आप इसकी सीधी बिजाई कर सकते हैं। और पौधा जब करीब करीब 15 से 20 दिन का होता है तो हम साइड में एक हम सपोर्टिंग नेट हम लगाते हैं, जिसे हम क्रॉप सपोर्टिंग नेट कहते हैं। जिन किसान भाइयों के पास अगर क्रॉप सपोर्टिंग नेट नहीं है तो जिस प्रकार से वो खीरे को एक धागे के सहारे बांधते हैं उस प्रकार से भी वो उसको ऊपर की तरह ट्रेन कर सकते हैं। इसमें करीब 40 दिन के आसपास इसमें फूल आने लगता है और चूंकि इसको हम प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर लगाते हैं जिसमें कि परागण नहीं हो सकता है, इसीलिए इसमें फल बनने के लिए हमें हाथ से परागण करना होता है। आप खुद से पहचान सकते हैं कि जो फीमेल यानी जो मादा फूल होता है उसमें आप देखते होंगे छोटा सा एक पहले फल लगा होता है उसके बाद उसमें फूल खिलता है। नर फूल जो होता है उसमें ये जो ओबरी होती है वो नहीं होती है, तो आप इस बेसिस पे उसको पहचान सकते हैं। और नर फूल को तोड़ के और उसका जो पराग है, पराग को आप इसमें अगर हाथ पे लगा के देखेंगे तो आपको लगेगा एक पाउडर नमा चीज उस पे आती है, उसको आपको मादा फूल के अंदर बिल्कुल उसको सटाना पड़ता है, स्टिग्मा पे आप जब सटा देते हैं। और ये परागण का काम जो हमें मॉर्निंग में बिल्कुल 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में करना है। शुरू में जो इसका फल बनेगा वो हल्का हरे रंग का फल होता है, वो करीब जब 50 दिन के बाद जब फल बन जाता है तब वो ऊपर का जो हरा रंग है वो बिल्कुल पीला रंग में बदल जाता है। जब भी उसमें जिस दिन फल लगता है उससे करीब करीब 50 दिन के बाद
फल तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके जो फल होते हैं वो पौधे से अलग नहीं होते हैं, तो जब आपको लगे कि ऊपर का पूरा जो फल का जो कवर है, जो रिंड जिसको हम बोलते हैं, वो जब पूरा पीला हो गया है और करीब 50 दिन की अवधि उसने तय कर ली है, उसके बाद उनको आप तोड़ के फिर आप मार्केट ले जा सकते हैं और मार्केट में ये काफ़ी अच्छे समय तक रह सकता है। और इस प्रकार से किसान भाइयों को बिना मौसम के अगर हम ये सर्दा खरबूजा अगर मंगाते हैं तो आपका मुनाफा काफ़ी अच्छा हो सकता है।